जिस कोरोना टाइम में जहां चारों तरफ सांस लेने में दिक्कत और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की खबर तो आप रोज ही सुनते होंगे, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि सिर्फ 2 मिनट के लिए भी अगर धरती पर से सारा ऑक्सीजन गायब हो जाए तो क्या होगा? अगर नहीं तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि अगर धरती पर से सारा ऑक्सीजन गायब हो जाएगा तो क्या होगा। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और पूरा देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आप तक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर एक, अगर ऑक्सीजन धरती से पूरी तरह खत्म हो जाएगा तो दिन में भी पूरी तरह अंधकार छा जाएगा। नंबर दो, समुद्र का सारा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, क्योंकि हम बचपन से ही ये पढ़ते आ रहे हैं कि पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। जब धरती से सारा ऑक्सीजन गायब हो जाएगा तो पानी अपने आप ही भाप बनकर उड़ जाएगा और पूरा समुद्र एक पल में ही सूख जाएगा। नंबर तीन, पूरी दुनिया में सभी जानवरों और जीव जंतुओं के कान के पर्दे फट जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर का 21% हिस्सा एक्वायर करता है। ऐसे में ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर से अचानक गायब हो जाने से एयर का प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि सबके कान के पर्दे फट जाएंगे। नंबर चार, ऑक्सीजन के अचानक गायब हो जाने से एयर का प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि धरती पर जितने भी लिविंग सेल मौजूद हैं वे सब फूल के फट जाएंगे और हम सब की मौत दम घुटने से नहीं बल्कि फूल के फट जाने से होगी। हम सब की हालत बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसे एक ह्यूमन की स्पेस में बिना स्पेस सूट के हो, हमारे शरीर के पल में ही चिथड़े हो जाएंगे। नंबर पाँच, अचानक ऑक्सीजन के गायब हो जाने से अर्थ पे प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि सारी चीज़ें आपस में ही सिकुड़ने लगेंगी और जितने भी मेटल्स इस धरती पर मौजूद हैं वे सभी बिना वेल्डिंग के ही आपस में जुड़ जाएंगे। नंबर छः, धरती पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो हमारे एनवायरनमेंट का 78% हिस्सा एक्वायर करता है और हम ये भी जानते हैं कि नाइट्रोजन एक ठंडा गैस है। अब जब ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से पूरी तरह गायब हो चुका है तो नाइट्रोजन का परसेंटेज एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एटमोसफेयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज बढ़ जाने से धरती बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो जाएगी और सब कुछ पूरी तरह से ही जम जाएगा। नंबर सात, अचानक से प्रेशर के बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाने से अर्थ के क्रस्ट, मेंटल और कोर भी सिकुड़ जाएंगे और धरती लगभग 10-15 किलोमीटर नीचे धस जाएगी और पल में ही हमारी ये धरती पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए ही नहीं बल्कि इस धरती के इकोसिस्टम के बैलेंस के लिए भी कितना ज़रूरी है। इसीलिए अब से ऑक्सीजन देने वाले पेड़ पौधे को ना काटें और जितना हो सके पेड़ लगाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, तभी तो आपके दोस्त की वीडियो चलेगी।